मॉडल बेदिता बाघ हाल ही में फिल्म बाबू मोशाय बंदूक बाज के ट्रेलर में इंटीमेट सीन्स देती नजर आई हैं। इन सीन्स को सेंसर बोर्ड ने कट कर दिया है, जिससे बेदिता सेंसर बोर्ड पर खासा नाराज हो गई हैं। बेदिता ने मीडिया के सामने सेंसर बोर्ड पर जमकर अपनी भड़ास निकाली है। मुझे ना आज मेरी दादा दादी की बहुत याद है। जी हाँ, क्योंकि वो हमेशा मुझे बोलते थे कि ये मत खाओ वो मत खाओ, ये मत पहनो वो मत पहनो, ये मत देखो वो मत देखो। तो आपको लगता नहीं कि सेंसर बोर्ड कुछ ऐसे ही एक्टर है? हमारे देश में मतलब 70% से भी ज्यादा लोग अटल, हाँ तो मतलब एडल्टों को अब बताया जाएगा दादा दादी की तरह कि आप क्या देखेंगे क्या नहीं देखेंगे। आज इंटरनेट मार्केट बहुत बड़ा है, इंटरनेट के कंटेंट पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। अब पॉर्न, अगर आपको पॉर्न देखना है तो आप फ्री में देख सकते हैं, पर अगर आप फिल्म देख रहे हैं, आप टिकट लेके फिल्म देखने जाते हैं, एक स्टोरी देखने, पॉर्न नहीं। तो फिल्म और पॉर्न में कुछ फर्क है। आज मैंने पढ़ा कि हमारे फिल्म में किस है, कुछ इंटीमेट सीन्स है, उससे प्रॉब्लम है सेंसर बोर्ड को। 80s और 90s के अगर आप फिल्में देखेंगे, उन फिल्मों में कितने रेप सीन्स देखेंगे आपको? बहुत बहुत। अभी भी रेप सीन्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर लव मेकिंग में, मतलब किसिंग में, मतलब दो इंसान प्यार भी नहीं कर सकते हैं क्या? है ना? मुझे लगता है कि सेंसर बोर्ड पे ऐसे दादा दादी की तरह ना लोगों को कंट्रोल करना बंद कर देना चाहिए। लोगों के पास ऑप्शन है, लोग क्या देखेंगे क्या नहीं देखेंगे ये उनकी फ्रीडम है, ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, डेमोक्रेसी है। लोगों को मत रोकिए, लोगों को अगर पसंद नहीं आएंगे लोग नहीं देखेंगे, पसंद आएंगे तो लोग देखेंगे। एंड फिल्म इज अ वेरी सीरियस बिजनेस। बहुत लोग, मुझे पहले इस बात की समझ नहीं थी, अब मैं देखती हूँ कि एक फिल्म में 70-80 से 100 लोग तक काम करते हैं, इतने लोगों के एक घर चलता है। अगर सारे फिल्म में मतलब जय संतोषी मार टाइप्स बनने लगेंगे, कोई एंटरटेनमेंट फैक्टर नहीं होगा, कोई जाएंगे फिल्म देखने? तो हम घर में बैठे डिस्कवरी चैनल देख सकते हैं, फिल्म क्यों, हिस्ट्री चैनल देख सकते हैं। फिल्म देखने जाते हैं एंटरटेनमेंट के लिए, और फिल्म इज अ स्लाइस ऑफ लाइफ। हम लोग रियल लाइफ में भी गाली देते हैं, रियल लाइफ में भी प्यार करते हैं, किस करते हैं, तो फिल्मों में तो ये सब होगा। तो प्लीज, मुझे लगता है कि सेंसर बोर्ड की ही जरूरत नहीं है। सेंसर बोर्ड की सर्टिफिकेट देने के लिए ठीक है, बच्चों के लिए फिल्म है या अडल्ट के लिए है, पर उसके बाद अडल्ट लोग क्या देखेंगे क्या नहीं देखेंगे इसमें प्लीज दादाजी मत बनो। आपको बता दें कि बाबू मोशाय बंदूकबाज में बेदिता नवाजुद्दीन के अपोजिट नजर आएंगी। इस फिल्म को डायरेक्ट कुशन नंदी ने किया है और फिल्म 25 अगस्त को रिलीज होगी। बॉलीवुड के अपडेट्स और गॉसिप न्यूज के लिए मायापुरी कट सब्सक्राइब करना ना भूलें।